नमस्कार, मैं संजय पथ की स्वर स्वामी ओल्ड एंड स्वर स्वामी न्यू ऑफिशियल इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके सामने फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। गाना गाने के बाद में गाना कैसा हुआ ये पूछने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आपको ही पता चलता है गाना कैसा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आपको एफर्टलेस सब सुर लगाते आना चाहिए। और ये तो चीजें प्रातः काल में आवाज कितनी फेलना है, जैसे दोपहर में आवाज लगाती है वैसे प्रातः काल में लगा रहे हो क्या? गलत। उसको कितना फोकसिंग देना है ये आपको सुबह उर्यास करने का फायदा ही तो हुआ है कि ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे तो पब्लिक को तकलीफ हो जाएगी, तो आप कंट्रोल कंट्रोल करके गाते हो। और यही चीज सुबह ही जरूरी है, दोपहर को ये चीज जरूरी नहीं है। दोपहर को आपने सुबह जो एक बार हासिल किया वही आवाज दिन भर कायम रहता है, वो रिपीट मोड में जाते रहता है कि जो आपने सोचा है वो। दोपहर की नींद लेना ये भी आवाज को भारीपन लाता है। ये सब आपके सवाल के जवाब है। अब फिर और ये भी सवाल इसने पूछा था, सर आवाज वाइब्रेट होती है। मैंने पहले जवाब दे दिया वाइब्रेट क्यों होती है, तो पहले दो तीन चीजें। एक तो आप जहां सीख रहे हो वो आपको वो जो हंकार का टेक्निक है, अभी काफी लोग हंकार का वीडियो डाल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं देखता भी हूं, अच्छी बात है, ऑन ट्रैक चल रहे हैं। क्योंकि आप खुद आजमा के देखिए कि ओंकार करने से ये चीज और अहंकार करने से ये चीज, क्योंकि ये चीज नेचुरल है, ये नेचर है, ये चीज हमने एफर्ट्स करके कमाई हुई है। अंदर सांस लेना या अंदर आवाज, तो ओंकार यहां पे काम करेगा, अहंकार यहां पे काम करेगा। मैं बार बार बोलता हूं, क्रिकेट की बॉल मारी या कुछ चीज फेंक किए तो पहले वो अपलिफ्ट होती है, ऊपर जाती है। ऊपर जाना मतलब तालू को लगना, और आवाज भी थ्रो अगर करना है तो तालू से थ्रो होके ही निकलनी चाहिए। एक सब साइंटिफिकली ही है, ऐसा कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी सब किताबों में लिखा है, लेकिन खाली उसको ढूंढने का काम है ना। पृथ्वी पे पहले ही ऐसे अलग अलग खंड बने हुए थे, और वो कोलंबस आया खोजने के लिए, उसको दिख गया एक टुकड़ा, वो अमेरिका समझ के निकला, वो निकला दूसरा टुकड़ा। वैसे ऑलरेडी था, गणित से अगड़ी सिद्ध हो गया ये सब चीज है करके, पर जिसने ढूंढा उसके नाम पे जाएगी। बाकी लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बाकी लोग समझेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, लेकिन गंगोत्री तो गंगोत्री है ना, ऋषिकेश में भी गंगा बहती है, फिर गंगोत्री को क्यों पूछते लोग। तो जहां से वो चीज निकलती है तुम वहां के बारे में सोचो कि यार ये कहां से हो रहा है, ये कहां से आया है, ये अहंकार कहां से निकला है। ये चीज आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको वो सही में कहां पे है। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट जो है किसी को चार महीने में समझ में आता है, किसी को चार साल में भी अहंकार समझ में नहीं आया है। अहंकार अक्षर अलग है और अहंकार स्वर अलग है। जब आप किसी हरा भरा बोलते हो तो हरा भरा का ह जो है वो अलग है, लेकिन अहंकार में जब वो ह वो जो निकलता है वो आपको गुरु समक्ष बैठ के ही सिद्ध होता है। उसका एक टेक्निक है जिसको शायद इल्म कहते हैं, वो जो जादू है उसका, वो आपको सीखना जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, नोटेशन सीख जाओगे, नोम तोम सीख जाओगे, पर अहंकार सीखने के लिए आपको प्रॉपर वे में सामने बैठ के ही अहंकार का चलन कैसा है ये समझना जरूरी है। आपको लगेगा आप ह लगा रहे हो, आपको मालूम भी पड़ेगा कि हाँ हाँ सुनाई आ रहा है, पर वो कहां से लग रहा है, नाभि से लग रहा है क्या, नाभि में आवाज जाता है या नहीं जाता है ये भी तुमको, सांस कहां भरने की है, सांस छाती में भर रहे हो तो नाभि से आवाज लगाने की कैसी बात सोच रहे हो, सांस पेट में आएगी, अच्छा बैक में भरना है या फ्रंट में भरना है, ये भी एक टेक्निक है। सांस कैसे लेना चाहिए, एक छोटा उदाहरण देता हूं। बसंत के ऋतु में आपको मोगरा के फूल का अगर एक टोकरी दे दिया हाथ में, उसका आपको स्मेल लेने के लिए बोल रहे हैं, जैसी सांस लेते हो वैसा
सांस भरना जरूरी है और वो कहां जाती है ये आपको सोचना है। आवाज शेक होना इसके दो तीन कारण ऐसे है कि पहले तो एक तो मूड बनना, एक तो यार हिम्मत ही नहीं पड़ती कि चलो सा लगा के बैठे सा, अरे कहां है नहीं होना चाहिए, वो हल्ला ही नहीं चाहिए सा, ये सा नहीं होना थोड़ा बहुत शेक करेगी, पर जब वो गर्म हो जाएगी वो जो मसल्स वहां के वो रूलिंग में आ जाएंगे उसके बाद में आपकी आवाज शेक होना बंद हो जाएगा।